दतिया के वृंदावन धाम में महिला बाल विकास विभाग और गृह मंत्रालय ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कन्या पूजन कर किया। इस दौरान गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से पैनिक बटन बेटियों के वाहनों में रहेगा। पैनिक बटन दबाते ही डायल 100 उसके पास पहुंच जाएगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 183 कैदियों को रिहा करेगी। मध्य प्रदेश में अब पैनिक बटन केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हमारी बेटियों के वाहनों में गाड़ियों में रहेगा। जब भी वो पैनिक बटन को अपनी गाड़ी में दबाएंगी, तत्काल 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस सहायता उसको पहुंचेगी। 100 नंबर डायल से उसको 100 नंबर से उसको साथ में अटैच करेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के द्वारा जेलों में आजीवन कारावास सजा में निरुद्ध कैदी 183 बंदियों को गणतंत्र दिवस पर रिहा किया जाएगा। इसे 183 में 177 177 पुरुष और 6 महिला रिहा किए जाने का निर्णय लिया है। आजीवन कारावास से दंडित बंदियों में बलात्कार और पास्को का कोई भी प्रकरण दंडित वाला कैदी नहीं है।